देश भर में जहां कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर छात्रों और डॉक्टर्स के मन में गुस्सा रोष है, जो सोशल मीडिया के जरिए जाहिर भी कर रहे हैं और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी, वहीं पश्चिम बंगाल की कोलकाता पुलिस गलत सूचना पोस्ट करने को लेकर लोगों को नोटिस भेज रही है। इन सबके बीच एक बीकॉम की छात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि उसने ममता बनर्जी की हत्या के आह्वान वाले पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। बताया जा रहा है कि छात्रा ने अपने पोस्ट में लिखा था कि इंदिरा गांधी की तरह ममता बनर्जी को गोली मार दो। बताया जा रहा है कि तलतला पुलिस स्टेशन में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी छात्रा ने आरजीकर अस्पताल में हुई घटना से संबंधित 3 इंस्टाग्राम स्टोरी अपने अकाउंट पर अपलोड की है, जिसमें पीड़ित महिला की तस्वीर और पहचान का खुलासा किया गया है। साथ ही आरोपी छात्रा पर आरोप लगा कि उसने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के खिलाफ भी 2 स्टोरी भी शेयर की है, जिसमें आपत्तिजनक टिप्पणियां और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस की तरफ से कहा गया कि यह बहुत ही भड़काऊ प्रकृति की है और इससे कभी भी सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है और समुदाय के बिच नफरत को बढ़ावा मिल सकता है। लिखित शिकायत के आधार पर BNS की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई और तलतला पुलिस स्टेशन की एक टीम ने लेक टाउन स्थित छात्रा के घर से कल दोपहर यानी कि 18 अगस्त की दोपहर उसे गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि गिरफ्तार आरोपी छात्रा को 19 अगस्त को बैक्सॉल कोर्ट में पेश किया जाएगा। छात्रा के वकील सौम्या सुब्रता रत्न ने इंडिया टुडे को बताया कि 17 अगस्त को FIR दर्ज की गई और 18 तारीख को गिरफ्तारी की गई। पुलिस बिना किसी जांच के उसे गिरफ्तार करने की जल्दी में थी। उसे जांच में शामिल होने के लिए कोई पूर्व नोटिस भी नहीं दिया गया था। कोलकाता पुलिस सीधे उसके घर पहुंची और उसे थाने ले गई। हम जानना चाहते हैं कि इतनी जल्दी क्यों थी, क्या यह केवल उच्च अधिकारियों को खुश करने के लिए था। वहीं कोलकाता पुलिस ने TMC सांसद सुखेंदु शेखर रे को भी गलत सूचना फैलाने के आरोप में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। इसके बाद TMC सांसद सुखेंदु शेखर रे कोलकाता पुलिस के इस नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए, जिसमें उन्हें पुलिस मुख्यालय में तलब किया गया था। बताया दें, सुखेंदु शेखर ने मांग की थी कि CBI को कोलकाता के पुलिस आयुक्त और RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य से पूछताछ करनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि आत्महत्या की बात किसने और क्यों फैलाई। इस पोस्ट को कोलकाता पुलिस ने फेक करार देते हुए उन्हें नोटिस भेजकर तलब किया था। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।